हमारे धर्म में मतलब उगते हुए नहीं डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है, और उगते और डूबते हुए सूर्य की स्थिति समान होती, दोनों का कलर सेम होता है लाल। इसलिए इससे ये सीख मिलती है कि हम लोग को जीवन में सुख दुख हर समय समान स्थिति बनाए रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए बोलिए। आशा दी ने बोला, मैं इनके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए बोलिए। मैं ये अब क्या बोला था, छठ पूजा, छठ पूजा के बारे में बताइए। देखिए छठ पूजा, देखो छठ पूजा वीडियो, छठ पूजा के हम लोग छठ पूजा के अंदर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। यह बिहार का सबसे ज्यादा 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 सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार है। धूप धाप और बस्ती होती है। चलिए वो क्या बोल रहा है, की बातों से सहमत। चलिए दाई बोले, बोलिए छठ मैया की जय। बच्चों के लिए सबसे मजेदार चीज छठ पूजा में हम दिवाली की तरह पटाखे भी जला सकते हैं। हम राधिका के बाद से सहमत। में हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और जल चढ़ाते हैं। पायल से पूरी तरह सहमत हूँ और रुद्र से भी। ये महान आस्था का पर्व है छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। चलो तुम बोलो, ये भी बोल रहे थे, बोलो छठ पूजा के बारे में बताएं। देखिए गांव में अब मेरे घाट के अंदर बन गया, बताओ घाट के बारे में। ये बोलते हैं कि हम लोग गंदा नदी को गंदा करते हैं और कीचड़ करते हैं। अच्छा मतलब